हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन का अपडेट लेकर के आ चुके हैं। पार्ट वन में हम आपको प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2, 3 का अपडेट दिखाएंगे। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जो दूसरा वाला नया फुट ओवर ब्रिज है, उसके लिए 4 ब्रेस का पिलर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर नई ढलाई का काम कर दिया गया है। और जो प्लेटफॉर्म संख्या 3 है, प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहले वाले नया फुट ओवर ब्रिज का बेस तैयार कर दिया गया है पिलर का। तो वीडियो आज का काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो लेट ना करते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जो रेलिंग लगाने का काम था, वो दोनों तरफ से यहाँ तक लगा दिया गया है। इधर की साइड में भी रेलिंग को लगा दिया गया है और यहाँ पर नई नई दीवारों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं सामने मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन का मुख्य भवन। मुख्य भवन पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट है। जैसे बलिया रेलवे स्टेशन पर पिलर बनाए गए थे एल्युमिनियम के, वैसे ही मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी पिलर को बनाए गए हैं और ये सेट पूरी तरीके से बनकर कम्प्लीट है। तो ये सेट का आप व्यू देख पा रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। इसके साथ ही मुख्य भवन के सामने यहाँ पर नई टाइल्स को बिछा दिया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। इसके साथ ही यहाँ पर किनारे किनारे से रेलिंग लगा दिया गया है और यहाँ पर लाइटों को हर जगह पर लगा दिया गया, स्ट्रेट लाइटें, और वहाँ पर भी 2 लाइटें लगाई गई हैं। तो 2 लाइटें लगा दी गई हैं, रात के समय में काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में। 2 लाइटें वहाँ पर भी लगाई गई हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस टाइम देखने पर। और अभी हम आपको दिखाते हैं RCC ढलाई का कार्य कहां तक हो चुका है काम। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो आज का काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था यहां पर एक सपोर्ट बना गया था, अभी तो इस पर ढलाई करके डिवाइडर को तैयार कर दिया गया है। और किनारे किनारे से वहाँ पर जो है नई नई वहाँ पर दीवारें उठाई जा रही हैं और इधर भी नई दीवारों को तैयार किया गया है। अभी यहाँ पर एक छड़ की सीकों की संरचना बनाकर यहाँ पर रखा गया है, पता नहीं किस चीज़ के लिए यहाँ पर बना कर रखा गया है। जब इस पर काम होंगे तो हम आपको बताएंगे। तो डिवाइडर का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से किया गया है और आगे हम आपको दिखाते हैं कहाँ तक RCC ढलाई का कार्य हो चुका है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। तो सामने यहाँ पर भी नई दीवार बना दी गई है। इसके साथ ही अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं RCC ढलाई का काम। आगे जो है काफ़ी तेज़ी से नई ढलाई करके डिवाइडरों को तैयार किया गया है। जो डिवाइडर बनाने का काम है वो पूरा लास्ट तक पहुंच चुका है, बहुत ही जल्द उसको भी पूरी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। अभी बनाने का जो प्रक्रिया है वो अभी चल रहा है। तो ये जो आपको नाला दिख रहा होगा, इस नाले को जो है ढकने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। तो इसको पट्टियों को बनाकर इसको ढक दिया जाएगा। ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर नाला का गड्ढा है और इसको बनाकर इसी के ऊपर से ढक दिया जाएगा। और अभी हम पूरे लास्ट समाप्ति पर आ चुके हैं, यहाँ पर नई नई RCC ढलाई का काम किया गया है। तो यहाँ पर नई नई दीवारों को तैयार किया गया है और ढलाई का काम वहाँ तक पहुँच चुका है। यहाँ से बिल्कुल नई नई ढलाई का काम किया जा रहा था। ये रही नालियाँ, अभी नालियों को बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। अभी यहाँ पर पट्टियों का निर्माण कार्य किया जाएगा, इसके लिए अभी कार्य जो है चल रहा है। और इधर के साइड में मिट्टियों को गिराया गया है, बहुत ही जल्द इसको पाट कर यहाँ पर नई RCC ढलाई का काम किया जाएगा। तो यहाँ तक RCC ढलाई का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। अब हम चलेंगे, मुख्य भवन के अंदर प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएंगे प्लेटफॉर्म संख्या 1 का संपूर्ण अपडेट। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था यहाँ पर नए नए यहाँ पर टाइल्स लगे हुए नहीं थे, फिलहाल यहाँ पर नए नए टाइल्स को लगा दिया गया है। 2 ठो यहाँ पर लगा दिया गया है स्ट्रेट लाइटें और 2 स्ट्रेट लाइटें यहाँ पर भी लगा दी गई हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म संख्या 1। प्लेटफॉर्म संख्या 1 के बैक साइड में यहाँ पर नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर ये जो दीवारें हुआ करती थी, इन दीवारों को भी तोड़ा गया है और यहाँ पर नई बिल्डिंग का काम आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से इस पर किया जा रहा है। छड़ की सीकों को इस पर बिछाया गया है
अब हम मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के नए टीन शेडों के पास चलते हैं, वहां पर दिखाते हैं करकटों की छपाई का कार्य अभी तक कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो अभी हम नए टीन शेडों के पास आ चुके हैं, तो नए शेड पर करकटों की छपाई का कार्य किनारे से बचा हुआ है, बहुत ही जल्द उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब हम आपको दिखाएंगे प्लेटफॉर्म संख्या एक पर जो दूसरे नए फुट ओवरब्रिज का कार्य चल रहा था वो पर कितना काम हो चुका है, आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। इसको बैरिकेटिंग स्टील से घेरा गया है ताकि इसमें कोई भी यात्री प्रवेश न कर सके। तो दूसरे वाले नए फुट ओवरब्रिज के लिए चार पिलर का बेस तैयार किया जा रहा है, अब इस पर जो है काम चल रहा है। तो चार पिलर का बेस यहां पर तैयार किया जाएगा। तो अभी हमने आपको दिखाया दूसरे वाले नए फुट ओवरब्रिज का व्यू, अब हम आपको दिखाएंगे आगे चल करके प्लेटफॉर्म संख्या एक पर कितने कार्य हो चुके हैं। यहाँ पर भी बहुत ही जल्द नए सेट को बनाया जाएगा, इसके लिए भी इस पर काम जो है चल रहा है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था प्लेटफॉर्म संख्या एक पर जो पिलर बना हुआ था सेट का, उस पर कुछ अधूरा था, मार्बल बिछे हुए नहीं थे। फिलहाल इस पर पूरी तरीके से मार्बलों को बिछा दिया गया है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है इस टाइम देखने पर प्लेटफॉर्म संख्या एक। तो अभी हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या दो और तीन पर, इधर के साइड में पूरी तरीके से नई ढलाई का काम कंप्लीट हो चुका है। प्लेटफॉर्म संख्या दो पर आगे के साइड में नई ढलाई का काम चल रहा है, आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं कितनी ढलाई का काम कंप्लीट कर लिया गया है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो आज का काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अब हम आपको प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर पहले वाले फुट ओवरब्रिज का दिखाएंगे, जो नया वाला बनाया जा रहा है फुट ओवरब्रिज, उसका पिलर जो है तैयार कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म संख्या चार और पाँच का अपडेट हम आपको पार्ट टू में दिखाएंगे, अभी हम चलते हैं नए फुट ओवरब्रिज के पहले वाले। तो अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर आ चुके हैं और अभी हम आपको दिखा रहे हैं नए फुट ओवरब्रिज का पिलर। नए फुट ओवरब्रिज का जो पिलर है वो काफ़ी तेज़ी से तैयार किया गया है और यहाँ पर काफ़ी सारे पिलर बनाकर रेडी कर दिए गए हैं, बहुत ही जल्द इसके आगे भी कार्य किया जाएगा। अभी हम आपको पुराने वाले फुट ओवरब्रिज से इसका कुछ व्यू दिखाएंगे और आगे जो है प्लेटफॉर्म संख्या दो पर नई ढलाई का काम किया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था उस टाइम जो है छड़ की सीकों को बिछाया गया था, अभी वहाँ का भी हम आपको व्यू दिखाएंगे। तो अभी हम पुराने वाले फुट ओवरब्रिज पर चढ़ चुके हैं, यहाँ पर चार पिलर बनाए गए हैं, इसके साथ ही यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है फुट ओवरब्रिज का, काफ़ी मोटे मोटे यहाँ पर पिलर को तैयार किया गया है और यहाँ पर सीढ़ियों के लिए बनाया गया है पिलर को। तो बहुत ही जल्द इसके आगे भी कार्य को किए जाएंगे और उसके जस्ट सुझाई में प्लेटफॉर्म संख्या चार और पाँच पर भी पिलर को तैयार कर दिया गया है। अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या दो पर आ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था यहाँ पर छड़ की सीकों को बिछाया गया था, इस पर ढलाई का काम हुआ नहीं था, फिलहाल यहाँ पर नई नई ढलाई का काम कंप्लीट कर लिया गया है, आगे भी नई नई ढलाई का काम किया गया है, आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर दिन प्रतिदिन नए नए तस्वीर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से ढलाई का काम को कंप्लीट कर लिया गया है, बहुत ही जल्द इसके किनारे भी नई ढलाई का कार्य कंप्लीट किया जाएगा। ये किनारे आपको दिख रहा होगा ये गैप, बहुत ही जल्द इसके ऊपर भी नई ढलाई का काम किया जाएगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ढलाई का काम, यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ढलाई का काम किया गया है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है प्लेटफॉर्म संख्या दो और तीन। प्लेटफॉर्म संख्या दो पर इधर के साइड में पूरी तरीके से ढलाई का काम कंप्लीट कर लिया गया है दोनों साइड से, इधर में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में नई ढलाई होने से, और इधर काफ़ी सारे मलबे पड़े हुए हैं, आने वाले समय में इन मलबों को हटाया जाएगा और नए सिरे से इसका भी निर्माण कार्य किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन का काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और हर जगह पर कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। और हम अपने वीडियो की समाप्ति यहीं से करेंगे,
वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे, तब तक मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।